हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज हम देखेंगे ई में, यानी कि वाई ई फ्रेमवर्क में हम डेटाबेस कैसे फैच करके लाते हैं व्यू फाइल में। तो हमें आज ये देखना है कि हम डेटाबेस में, मान लीजिए हमने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है और उसमें कुछ टेबल्स हैं, वहाँ से हमें डेटा लेकर आना है पेज पर, तो कैसे लाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या प्रोसेस है, देख लेते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज टाइम मिला है, वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो देखिए ये यहाँ तक तो हम कर चुके थे, शायद फॉर्म वॉर्म बनाना हमने सीखा था पहले। तो चलिए यहाँ हम कुछ सर्च कर लेते हैं कि ये मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया वाई का। मैं फिर से एक रिवाइज कर लेता हूँ, आप आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ एक तो कंपोजर की हेल्प से हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेमवर्क को, ठीक है, वाई फ्रेमवर्क को या ई फ्रेमवर्क। और यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो पहला ई टू विद बेसिक एप्लीकेशन और एक एडवांस। तो हम बेसिक वाला कर रहे हैं, एडवांस वाला हम बाद में सीखेंगे। तो मैं यहाँ यहाँ क्लिक करके, आप इसको एक यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एक जिप फाइल आ जाएगी और वो आप एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने जैम्प या वैम्प जो भी है, वट एवर, उसमें जहाँ भी आप प्रोजेक्ट रखते होंगे तो वहाँ पर रख लेंगे। जैसे मेरे यहाँ सिस्टम है जैम्प और इसके अंदर HT डॉक्स के अंदर मैंने फोल्डर रखा हुआ है। तो ये सब हम पहले कर चुके हैं इंस्टॉलेशन, आप चाहे तो पहले वीडियोज देख सकते हैं जो न्यू बिगनर्स हैं। स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए वीडियोज बनाता हूँ तो स्पेशल तो है ही, तो देखेंगे मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो। देखिए यहाँ हमने पहले टेबल क्रिएट किया हुआ है, हमने डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट किया। एक तो मान लीजिए ये मेरा, देखिए YE2 डेटाबेस नेम है और एक टेबल मैंने बना रखी है यहाँ पर यूजर्स, यूजर नाम से, यूजर कुछ भी नाम से बना लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि एसेट्स में जाकर ऐप, नहीं यहाँ तो हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं डेटाबेस को। तो कैसे करेंगे, हम जाएंगे कॉन्फ़िगर में और कॉन्फ़िगर में जाकर web.php फाइल होगी। देखिए एक तो यहाँ अगर, हाँ ये db.php फाइल है, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे और अपना यहाँ जो डेटाबेस का नाम है वो लिख लेंगे। ये तो ये हो गया, ठीक है। अब जाएंगे web.php में और यहाँ पर जो DB जो फाइल है हमारी, देखो यहाँ कॉन्फ़िगर हो रही है, ठीक है, वो यहाँ पर हो रही कॉन्फ़िगर हो रही है। चलिए ये काम तो हो डेटाबेस का कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे होगी, ठीक है, वो हमने सब काम कर लिया है। अब चलते हैं कंट्रोलर्स में। ये डिफ़ॉल्ट हमारा कंट्रोलर एक साइट कंट्रोलर, एक इसमें काम करेंगे। और ये मॉडल आप देख रहे हैं, मॉडल का फोल्डर, इसमें यूजर, देखिए एक्चुअली जब भी आप प्रोजेक्ट आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यूजर डॉट पी एच पी यूजर मिलेगा, लॉग इन फॉर्म, ठीक है। तो हम इसको ना करके हम देखेंगे अपने हिसाब से, इसको हम डिलीट करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इस समय बिगनर है तो हमें स्टार्टिंग से देखना चाहिए वीडियो को, मतलब स्टार्टिंग से हमें काम करना चाहिए। तो ये फोल्डर है सारे, ये अब आपको पहले बता चुका हूँ मैं, कुछ नया नहीं है। तो आइए हम देखते हैं यूजर डॉट पी एच पी में क्या क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमें, मैं इसको मिटा देता हूँ, सब कुछ हटा देता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। शुरू से मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे पास क्लास है यूजर नाम की, और ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लास बनी हुई है, ठीक है। यहाँ हम करेंगे एक फंक्शन, सुना होगा आपने इसमें शायद, आपको अगर ध्यान होगा एक फंक्शन होता है टेबल नेम, टेबल नेम का, ठीक है, उसको हम यहाँ बनाएंगे अंदर और उसमें अपनी टेबल का नाम हम लिखेंगे। यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ YIIDB एक्टिव रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मिल जाएगा एक्टिव रिकॉर्ड के लिए, ठीक है, ये डायरेक्ट क्या हुआ, यहाँ से हम एक्सेस कर पाएंगे अपने जो टेबल से उसका रिकॉर्ड। तो यहाँ एक पहले फंक्शन बना लेते हैं, जैसे यहाँ हमने बनाया स्टैटिक होना, फंक्शन स्टैटिक होना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक
टेबल नेम्स, और इसमें हम रिटर्न कराएंगे टेबल का जो नाम होगा ना, जो इस नाम से आपने टेबल बनाई है, जैसे मैंने यूजर्स बनाई है, तो मैं उसको यहाँ लिख दूंगा स्ट्रिंग में, ठीक है, सिंगल कोट में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है फंक्शन, एक तो ये जरूरी है, और एक हम साइट कंट्रोल में जाते हैं और यहाँ देखते हैं क्या करना है मुझे, यूज़, हाँ उसको यहाँ पर हम लोड करा लेते हैं, उस फाइल को यहाँ यूज कर लेंगे, ऐप मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर कहाँ पर है आपके यूजर, ये यूजर है, ठीक है, मॉडल्स के अंदर यूजर है, यहाँ पर यूज करेंगे तो ये लिखना पड़ेगा हमें यूज, ये आपको पता है। और उसके बाद में इंडेक्स कंट्रोलर में हम देख लेते हैं कुछ, यहाँ काम करके देखेंगे इंडेक्स कंट्रोलर में, और इसी का जो व्यू कॉल होगा इंडेक्स, फिर उसमें हम थोड़ा देखेंगे, या मैं इसको कर ये देख लेता हूँ कि ये ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, आ रहा है आउटपुट तो आ रहा है, हाँ ठीक है, ये यहाँ करके देख लेते हैं टाइप। जैसा कि आपने देखा पहले हमने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, कॉन्फ़िगर में जाकर एक db.php नाम की फाइल है, उसमें डेटाबेस को हमने कॉन्फ़िगर किया, जो भी मैंने बनाया वाई आई, और मैं आपको बताता हूँ कि ये सारा कोड मैं आपको गिटहब पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, गिटहब पर मैं डाल दूंगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप पूरा जो कोड है सिंपल जो भी हम कर रहे हो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जो भी हो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ में आया नहीं आया। तो देखिए यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको ये है क्या, मैं यहाँ एक्टिव रिकॉर्ड जो है यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं ये क्लास है क्या है, ओके, ये बिल्कुल क्लास है जो बेस एक्टिव रिकॉर्ड को, ठीक है, इसने एक्सटेंड किया है बेस एक्टिव रिकॉर्ड को, तो आप देख सकते हैं इस क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम बाद में देखेंगे, हम एक सिंपल सा, हम नॉर्मल बिगनर है तो हम उसी लेवल का हम देखेंगे, ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हमारा मकसद है डेटा को लेकर आना। तो यहाँ हम एक यूजर नाम का मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें मैं कॉल करा लेता हूँ यूजर को, उसमें एक ले लेता हूँ मैं फाइंड फंक्शन और एक ऑल, ठीक है, उसके आगे लिख देता हूँ ऑल फंक्शन, देखते हैं ये जो है यूजर्स में इसका डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि टेबल का जो डेटा वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ तक मैं बाकी स्क्रिप्ट पर एग्जिट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ इस तरह से कुछ शो हो रहा है, तो आई थिंक ये ठीक चल रहा है, डेटा आ रहा होगा, ठीक है, एको करा के देखते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, तो इसका फॉर्मेट देखिए ये, हाँ बिल्कुल ठीक, देखिए डेटा हमारा आ गया है, डेटा बेस से हमारा डेटा है, यूजर नाम की जो टेबल थी उसका सारा डेटा हमारे पास मिल गया। तो इसको अब हम जो है व्यू फाइल में के लिए सेट करेंगे, ठीक है, पास कराएंगे यहाँ से वेरिएबल, तो देखिए देखते हैं कैसे पास किया जाता है वेरिएबल, यहाँ जो रेंडर हो रहा है रेंडर फंक्शन हमारा काम कर रहा है, ठीक, यहाँ पर कॉमा लगाइए अंदर और यहाँ एक एरे में पास कर दीजिए, मैं यूजर्स नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें पास कराया था यूजर्स, तो ये अब आपका जो इंडेक्स नाम का जो फंक्शन है इसी नाम की व्यू फाइल रेंडर होगी, ठीक है, साइट व्यू में अंदर जाकर साइट फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली जो कॉल होती है इंडेक्स फाइल उसमें हम उसके लिए सेट कर लिया हमने। आइए देखते हैं उसमें क्या करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पर देख लेते हैं चेक करके कि डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं बनाते रहता हूँ जेंड फ्रेमवर्क पर, लैमिनार्स, कोऑर्डिनेटर, केक PHP, और आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट, JSON, ये सभी मैं बनाता हूँ मैक्सिमम। चले यहाँ हम देख लेते हैं प्रिंट कराकर के जो यूजर्स है वो यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है उसका डेटा, यहाँ पर देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ हमारे व्यू तक ये पहुँच चुका है, तो बस ये हमने देख लिया इसको टेस्टिंग करके, ये आ रहा है डेटा, प्रिंट आर आप जानते हैं प्रिंट आर फंक्शन का यूज करते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं मैं यहाँ पर ये सब यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ओके, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टेबल को, मुझे आपको बताने की जरूरत है, टेबल आपको पता है, ठीक है, मैंने एक टेबल ले ली और टेबल में हमें ये डेटा शो करना है, तो यहाँ से
एक फोर ईच की जरूरत पड़ेगी हमें, फोर ईच लूप की। और टेबल में आपको पता है कि टेबल में टी आर क्या काम करता है, फिर टी डी, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट इसलिए करें जैसे टाइम की हमारे पास बचत हो जाए, ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो यहाँ हम कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ मैंने, ओके यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक लूप लगाया जिसमें यहाँ पर पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये देखिए यूजर्स नाम का, ठीक है, यूजर्स नाम का वेरिएबल आ रहा है यहाँ पर। इसको मैं अगर रिफ्रेश करके दिखाऊँ आपको तो एरर शो करेगा अभी, ओके, क्योंकि हमारे यहाँ मिस्टेक है। क्या कि रिजल्ट्स नाम का तो वेरिएबल लिया आपने, उसमें तो कोई कुछ है नहीं, वो अननोन है। तो यहाँ हमें यूजर्स लिखना होगा जो आपने सेट किया था कंट्रोलर में। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, ये डेटा आपका यहाँ शो हो चुका है, देखिए ये डेटा आपका आ गया है, ठीक है। अब चाहे तो आप सिस्टमेटिक कर सकते हैं, उसमें हेडिंग भी दे सकते हैं ऊपर कि ऊपर आईडी और फील्ड का जो नाम है वो दिखाई दे प्रॉपर, कि आईडी है, नेम है, ईमेल है। तो मैं टी आर करके एक रो ले लेता हूँ, मतलब उसमें आप हेडिंग लिखेंगे और ये शो करा देंगे सारा डेटा। तो बस आज का वीडियो अगर देखा तो इतना ही था, हम ये देखना चाहते थे किस तरह से डेटा आता है बिगनर्स के लिए। मैं पहले बताता हूँ कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ये बिगनर्स के लिए बनाता हूँ, जो एब्सोल्यूट बिगनर्स होते हैं। तो आप चाहे तो मेरे चैनल पर कोई भी वीडियोज़ देख सकते हैं। PHP के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जैसे फेमस लारावेल भी है, और आप चाहे तो रिएक्ट JS, व्यू JS, इन सब पर वीडियोस बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए चल रहा है ये फ्रेमवर्क, इस पर हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे आगे भी, और इसमें देखेंगे कैसे कंपोनेंट्स हम क्रिएट करते हैं और कैसे इवेंट फायर ट्रिगर करते हैं, सारी चीज़ें, मॉड्यूल्स को न्यू मॉड्यूल्स कैसे ऐड करते हैं, सारे आने वाले चीज़ों में देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो आज देखा हमने किस तरह से हम डेटाबेस से हम डेटा को लेकर आए अपने इंडेक्स पेज पर। ये रिफ्रेश करके देख लेते हैं, देखिए बिल्कुल बस, ठीक है, ये आज का काम यहाँ हो गया फिनिश। आप चाहें तो एक व्यू, न्यू व्यू फाइल बना सकते हैं और उसमें डेटा को दिखा सकते हैं, ठीक है। डेटा अलग अलग फ्रेमवर्क में अलग अलग सिंटैक्स होते हैं, पर मैथ जो फ्लो होता है वो एक ही होता है, किस तरह डेटा को लाएंगे, कौन सा ड्राइवर यूज करेंगे आप, MySQL करेंगे, ठीक है, और PDO का यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आप, तो वो सब एक जैसी चीज़ होती है, बस सिंटैक्स चेंज होते हैं। मैं यहाँ पर इंडेक्स की नई फाइल क्रिएट करके यहाँ पर आपको डेटा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया सिंपल वही टेबल, और देख पाएंगे आप बिल्कुल बिल्कुल फ्रीली, और इसको रिफ्रेश करके देखेंगे फिर। और एडवांस में दोस्तों मैं आपको थैंक यू वेरी मच बोल देता हूँ, हैव अ नाइस डे, कि आपने इतना समय, कीमती समय इस वीडियो के लिए निकाला, थैंक यू वेरी मच। ये आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।